ससुराल के लोगों से तंग आकर नवविवाहिता ने अपनी जान दे दी। मायके वालों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। नवविवाहिता की शादी के महज 7 माह हुए थे। फरवरी 2022 में शादी बड़े ही धूमधाम से उसके घर वालों ने किया था। शादी में दहेज भी दिए गए थे, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि अब महिला इस दुनिया में नहीं रही। एक माँ बाप के लिए उसकी बेटी लक्ष्मी के समान होती है। उसकी ममता पूर्वक परवरिश कर उसे दुल्हन के रूप में देखना हर माँ बाप का सपना होता है। उसने अपने सारे दायित्व को निभाया, लेकिन उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। पलामू के विश्रामपुर नगर परिषद मुख्यालय की एक नवविवाहिता ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर शुक्रवार की रात पंखे से अपनी साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के बाद शव को मायके वालों को सौंप दिया है। उधर मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति राजेश दास, सास बबीता देवी, ससुर उमेश दास, देवर राकेश दास समेत 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति, सास एवं ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मृतका शोभा देवी के पिता ने दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया है कि वह अपनी बेटी शोभा देवी की शादी फरवरी 2022 में राजेश दास के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने हैसियत के मुताबिक दहेज देकर किया था। शादी के 2 माह बीतते ही ससुराल वालों ने स्प्लेंडर प्लस बाइक के लिए दबाव बनाने लगे। इसको लेकर मृतका को प्रताड़ित किए जाने लगा, उसे जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसकी जानकारी वो अपने माँ बाप को दी। इसकी सूचना मिलते ही मृतका के पिता बबलू दास ने कहा कि अभी शादी किए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, विश्वकर्मा पूजा में बाइक दे देंगे। प्राथमिकी में मृतका के पिता ने यह भी उल्लेख किया है कि पूजा से पहले वो गाड़ी खरीद कर अपने समधी उमेश दास को बुलाकर दिखाया और ले जाने को कहा, तो उन्होंने कहा कि वे इतने दूर गाड़ी चलाकर नहीं जा सकते हैं, बेटा आकर ले जाएगा। उसके दूसरे दिन ही बेटी की मौत की खबर आ गई। मृतका के पिता ने कहा कि बाइक नहीं देने के कारण ही सभी ने मिलकर शोभा की निर्मम हत्या कर दी है, वह आत्महत्या नहीं की है। थाना प्रभारी शशि रंजन ने बताया कि पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शेष आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अपने सपनों को करें साकार द प्रयास इंडिया के साथ यूपीएससी की तैयारी को बनाएं आसान। अब आपके साथ रांची में हरिओम टावर में खुला विश्वसनीय आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट द प्रयास इंडिया। 2021 में हुए 41 लोगों का चयन, आप भी बने प्रशासनिक देश सेवा का हिस्सा। कॉल करें 9334790857।